हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एरेज। एरेज सी में क्या होते हैं, लेट अस सी। सो एरेज आपके कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। मींस जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं इंट ए, बट व्हाट इफ वी वांट टू डिक्लेयर हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स, तो वो हम इंट ए बी सी से लेकर इंट जेड तक नहीं कर सकते। That will be a very tedious और messy work। तो उसकी जगह पर हम arrays का use कर सकते हैं। Arrays हमारे allow करते हैं कि हम similar elements का एक collection बना ले और उन्हें easily access कर सके। Let us see further। These are the three words which are very important to define arrays। Arrays हमारे homogeneous होते हैं, finite होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। अब ये तीनों का रेलिवेंस एरेज से क्या है, लेट अस सी। दिस इज द सिंटैक्स फॉर द एरेज। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड साइज। डेटा टाइप एज यू ऑल नो आर इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। वेरिएबल्स इट कुड बी एनीथिंग, इंट ए, पी, ए आर आर और एनीथिंग दैट यू कैन यूज फॉर वेरिएबल। साइज, साइज कैन बी एनी न्यूमेरिक वैल्यू दैट यू कैन प्रोवाइड टू दी एरे। ओके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। सेमी कॉलन इज द एंड, जो डिक्लेरेशन के एंड में यूज होता है। नाउ हाउ आर दीज थ्री वर्ड्स आर रिलेटेड टू दी एरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वन एग्जाम्पल, दैट इज इंट ए ऑफ फाइव। इंटीजर टाइप का एरे होगा, एरे का नाम ए होगा और इसमें फाइव एलिमेंट्स होंगे। Now this is a table which is defining that there are five memory locations provided to this array। पांच memory location मिली है इस array को। ये जो values है, क्योंकि हमने array को कोई value provide नहीं की है, तो ये इनकी default values है। Default value could be zero और any garbage value। As you all know, storage class के according ये एक variable जो हमने declare किया है a, ये by default auto type का variable है और auto type के variable को जो default value मिलती है वो कोई garbage हो सकता है, that garbage could be zero also। So this array is of integer a of five type, मतलब इसको पांच memory location मिली है। सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी वो इंटीजर टाइप होगी, मतलब वो होमोजीनियस टाइप है, सारी की सारी सेम टाइप की है। नाउ नेक्स्ट, ये फाइनाइट होंगे, मतलब अगर ए ऑफ फाइव लिखा है तो देयर विल बी फाइव वैल्यूज ओनली फॉर दिस एरे। नेक्स्ट, दीज मेमोरी लोकेशंस विल बी ऑर्डर्ड, मतलब अगर इंट दो बाइट का है और पहला मेमोरी लोकेशन 2022 है तो दिस मेमोरी विल टेक टू बाइट्स और जो नेक्स्ट लोकेशन होगा दैट विल बी ऑफ 2024। ये अगर दो बाइट का है तो नेक्स्ट विल बी ऑफ 2026। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट। नाउ दिस टेबल इज टेलिंग दैट दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यूज, सो इट टेल्स दैट दिस इज होमोजीनियस। दीज ऑल आर द इंडेक्सिंग, थ्रू दिस यू कैन एक्सेस दिस एरे। ये फाइनाइट है, मतलब अगर पांच बोला है तो पांच ही मेमोरी लोकेशन इसको असाइन होगा। फर्दर हो सकता है, उसमें क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ऑर्डर्ड का मतलब है जैसे हमारे घरों के एड्रेस होते हैं 1, 2, 3, 4, वही यहां पर है कि अगर एक घर ने दो बाइट्स ली है तो नेक्स्ट जो घर होगा वो दो बाइट्स के बाद ही आएगा। तो दीज ऑल आर एड्रेसेस। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। For the array example, you must know the syntax to declare the array. Syntax is data type, variable name, and in square brackets size. Data type could be anything, that is int, character, float. Variable name could be anything, int a, sorry, a, a r r, p, or anything. Size must be a numeric value in square brackets. Then semicolon if you want to only declare. Okay, let's see the example. Example is data type की जगह हमने int लिया, variable name के लिए हमने a लिया और size हमने नहीं लिखा है और square brackets to tell the compiler that this is an array. Okay, let's execute this. It is saying, it is throwing an error that array size is missing.
सो इससे आपको ये पता चलता है कि जब भी आपको कोई एरे डिक्लेयर करना है यहाँ पर साइज देना मस्ट है. तो लेट्स गिव द साइज ए ऑफ 5. एग्जीक्यूट. नाउ देयर इज नो एरर. अब इससे क्या होगा, मेमोरी के अंदर 5 कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस एलोकेट होगी बाय द नेम ऑफ ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4. ओके, अब हम वैल्यूज को प्रिंट करा के देखते हैं कि जब हमने इस एरे को डिक्लेयर किया है और हम इसकी हर एक लोकेशन को प्रिंट कराते हैं तो क्या वैल्यू आती है. प्रिंट एफ आपका आउटपुट प्रिंट कराएगा, परसेंटाइल डी क्योंकि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है, एंड ए ऑफ 0 पर फर्स्ट एलिमेंट होगा इस एरे का. ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट इट. यहां पर कोई गार्बेज वैल्यू आई है. आप सब स्टोरेज क्लासेस पढ़ चुके हैं, जो भी नॉर्मल इंट वेरिएबल होगा वो बाय डिफॉल्ट ऑटो वेरिएबल होता है और ऑटो वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है. तो इसीलिए जब हमने ए ऑफ 0 के थ्रू इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट रीड किया है तो दैट इज एन गार्बेज. ओके, सो लेट्स रीड अदर वैल्यूज. लेट्स चेंज द वैल्यूज ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4. क्योंकि ये ए ऑफ 5 है मतलब सिर्फ 5 वैल्यूज स्टोर होंगी. तो ए ऑफ 0 विल बी फर्स्ट, ए ऑफ 1 विल बी सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ वैल्यू. लेट्स रीड ईच एंड एवरी वन्स वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फर्स्ट इज गार्बेज, सेकेंड इज 0, थर्ड इज गार्बेज एंड नेक्स्ट इज 0 एंड नेक्स्ट इज ऑल अगेन गार्बेज. बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज ऑल्सो एन गार्बेज वैल्यू. तो जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अगर वो ऑटो टाइप का है तो जो आउटपुट है दैट कुड बी एनी वैल्यू इंक्लूडिंग 0 और एनी गार्बेज. तो ये हमने सारे एलिमेंट्स को रीड किया है. ओके, होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव फर्दर. मैं इन्हें कमेंट कर देती हूँ या मैं इन्हें रिमूव कर देती हूँ. अब मैंने क्या किया है, मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है और उसके हर वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ यूजिंग एन एरे. अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हर एक वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब एक सीक्वेंस में है. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे आई प्लेस कर दूं और आपको ऑलरेडी फॉर वाइल डू वाइल के थ्रू 0, 1, 2, 3, 4 टिल एनी नंबर तक काउंटिंग चलाने आती है. तो अगर आप ए ऑफ आई रीड करेंगे तो आई पर लूप चला दें, ये लूप चलाया तो आप इसके हर वैल्यू को बाय यूजिंग अ लूप 5 स्टेटमेंट्स लिखने की जगह सिर्फ एक लूप चला के सारी वैल्यूज को रीड कर सकते हैं. तो लेट्स डिलीट इट अगेन. नाउ दिस इज द कोड, एरे डिक्लेरेशन, प्रिंट एफ कराया इस स्टेटमेंट से, पर इस स्टेटमेंट को हमने लूप में डाला. ए ऑफ आई के थ्रू मैं आई पर लूप चला रही हूं और सारी वैल्यूज को रीड करके देख रही हूं. ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट. समवेयर समथिंग इज लेफ्ट एरर. नाउ सी, हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ व्हाट वी सॉ कि इसने ए ऑफ 0 के लिए जो वैल्यू हमने पहले भी रीड की थी क्योंकि वो ए ऑफ 5 ही था, तो सेम ही वैल्यू हमारी अगेन रिट्रीव हुई है. ए ऑफ 0 इज दिस, ए ऑफ 1 इज दिस वैल्यू, ए ऑफ 2 इज दिस वैल्यू, ए ऑफ 3 इज दिस वैल्यू, ए ऑफ 4 इज दिस वैल्यू. ओके, सो यूजिंग अ लूप एंड ओनली वन स्टेटमेंट इन साइड इट यू कैन एक्सेस द होल एरे. दिस इज अ सिंपल एक्सेस ऑफ एरे. ओके, तो देखिए आप हमने क्या किया है, ए ऑफ परसेंटाइल डी, ये वाला परसेंटाइल डी क्या है, आई, और आई क्या है 0, 1, 2, 3, 4. दिस परसेंटाइल डी
is a of I. मतलब a of 0, a of 1, a of 2, and a of 4 जो भी है वो सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया. तो होप यू अंडरस्टूड कि हम यूजिंग एनी वन लूप वाइल डू वाइल और फॉर हम किसी एरे के सारे वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब हम जाते हैं आगे. इसको मैं डिलीट कर देती हूँ. होप यू नोटेड दिस सेमीकोलन. अब हमने एक और एरे डिक्लेयर किया है. इस एरे के अंदर हमने वैल्यूज को इनिशियलाइज भी किया है. अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ वैल्यू को, सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया था बाय दिस स्टेटमेंट और उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को हम रीड कर रहे थे. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस एरे को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसको वैल्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. बाय यूजिंग सिमिलर स्टेटमेंट ऑफ द लूप हम इस एरे के हर एक वैल्यू को रीड करना चाहते हैं. ठीक है, वही हमने आई का लूप चलाया है और हर एक वैल्यू ऑफ दिस एरे को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स एग्जीक्यूट इट. नाउ द बिफोर आउटपुट वॉज, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहे थे वो गार्बेज आउटपुट आ रहे थे, पर अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे हर एक एरे के पोजीशन पर एक वैल्यू प्रिंट हो रही है एंड दैट वैल्यू इज ऑलरेडी असाइंड वैल्यू जो हमने इस एरे के डिक्लेरेशन के साथ में इसे दी थी. तो हम किसी भी एरे को वैल्यूज कैसे दे सकते हैं, इन द सिंटैक्स लेट मी चेंज इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस का पैर और यहाँ पे हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आती हैं. ठीक है, सो दीज आर दी वैल्यूज, दिस इज दी एरे डिक्लेरेशन. बाय यूजिंग एनी लूप वी कैन एक्सेस देम एंड वी एक्सेस देम. ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमने एक और चीज करी, हमने एक एरे बनाया, 5 है इसका साइज, पर हमने जो एलिमेंट्स दिए हैं वो ज्यादा दिए हैं. हमारे एलिमेंट सिर्फ इतने ही होने चाहिए थे क्योंकि हमारा साइज 5 है, बट दीज आर दी एक्स्ट्रा वैल्यूज. अब ये किस पर जाएगी, दिस इज ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, 4 तक हमारा होना चाहिए था. अब ए ऑफ 5 पर 6 दिया है, ए ऑफ 7, 6 पर 7 दिया है, ए ऑफ 7 पर 8 दिया है और ए ऑफ 8 पर 9 दिया है. तो ये जो चार वैल्यूज हमने एक्स्ट्रा दी हैं, तो लेट अस सी कि इसका आउटपुट क्या आता है, मतलब ए टू की वैल्यूज पर आउटपुट क्या आता है. सी, यहाँ पे बहुत सारे वार्निंग्स आए हैं, एरर नहीं आया है. माइंड दिस कि एरर नहीं आया है. जब आप कोई एरे डिक्लेयर करोगे और उसका साइज आप कम देते हैं और वैल्यूज ज्यादा असाइन करते हैं, इन सी इट विल गिव इन वार्निंग कि आपने वैल्यूज ज्यादा असाइन कर दी हैं. ठीक है, दीज आर दी वार्निंग फॉर ईच एंड एवरी एक्स्ट्रा वैल्यू. 6 से हमारा वैल्यू एक्स्ट्रा था, 6, 7, 8, 9 सबके लिए इसने एरर दे दिया. वार्निंग के बाद भी हमारा प्रोग्राम हमेशा रन करता है. लेट सी दी आउटपुट. तो ए टू में क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी वैल्यूज वैलिड थी. उसके बाद देखिए क्या आउटपुट आया है, उसके बाद जो आउटपुट आया है दैट आर ऑल गार्बेज, इट डिडंट टेक दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज उसने नहीं ली है. जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इन मेमोरी लोकेशंस पर पढ़ी होंगी इसने उन वैल्यूज को रीड कर लिया. वैल्यूज है हमारी रीड हो गई हैं और जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज थे उन पे हमारा गार्बेज आ गया है. ये वैल्यूज रीड नहीं हुई हैं जो हमारी एक्स्ट्रा थी. दिस इज ऑल अबाउट एरेज. होप यू अंडरस्टूड. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट बिलो और यू कैन टॉक टू